सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे बिरसा चौक में हैं और आज हम लोग जाने वाले सर्कस देखने अजंता सर्कस जो कि शहीद मैदान में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया है यहाँ पे और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। लोगों को यहाँ पे रास्ता नहीं पता, बहुत ही सामने है, ठीक है। अभी हम लोग रिटर्न आए हैं, उसके बाद फिर से यहाँ से वीडियो शूट कर रहे हैं। सोचिए कितना मेहनत करते हैं हम लोग। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने बाइक पर, सेटअप करते हैं मोबाइल को और फटाफट हम आपको रास्ता दिखाते हैं। सो गाइज हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। सो गाइज ये वॉइस ओवर में कर रहा हूँ सर्कस देखने के बाद, और अगर का रिव्यू का बात करें तो एक बार आप जा करके देख सकते हैं, अच्छा खासा है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि भाई वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था, मतलब कि 50 फीट के ऊपर में वो लोग अपना करतब दिखा रहे थे और उसी में क्या हुआ कि एक लड़के का हाथ छूट गया गलती से और नेट तो बंधा हुआ था लेकिन फिर भी थोड़ा इंजरी वहाँ पे आ गया था। बाकी बात करते हैं, बाकी जो सर्कस वगैरह था वो काफ़ी अच्छा लगा हमें देखने में। हाँ लेकिन कभी कभी एक चीज़ थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था कि जैसे नेट वगैरह जब वो लोग बांध रहे थे तो, और इसी के बीच में भी जो प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है आपका और अजीब लगता है आपको, मतलब आप फ्रंट सीट लेते हो फिर भी आप अच्छे से कुछ देख नहीं पाते हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है। और एक बार तो लाइट भी कट गया था। बाकी बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और जो बौनों का कॉमेडी अगर बात करें तो भाई वो कॉमेडी हम लोग के लिए नहीं है, वो बाकी लोगों के लिए ही ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन जो लोग अब सीख चुके हैं वो जो थोड़ा एडल्ट हो गए उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल होगा, हंसी आपको नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप इंजॉय कर सकते हैं, एक बार तो देख ही सकते हैं। तो देख सकते हैं एक मैदान जो है यहाँ पे इधर है, छोटा सा मैदान है, ठीक है। उसके बाद फिर हल्का सा और अभी आगे जाएंगे, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है। और अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं विधानसभा, जो कि पुराना वाला है, तो इसके जस्ट हम लोग को आगे जाना है हल्का सा। तो ज़्यादा दूरी नहीं है, बिरसा चौक से ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहीं से हम लोग को लेफ्ट मुड़ जाना है, ठीक है। सीधा ध्रुवा चला जाता है और यहाँ पे हम लोग शहीद मैदान यहाँ पहुँच गए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है लगा हुआ है सर्कस और लिखा हुआ है अजंता सर्कस। यहाँ पे स्कूल लगता है अभी भी छुट्टी हुआ। चलिए यहाँ से हम लोग ले लेंगे राइट। सो गाइज हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखिए टाइमिंग का थोड़ा सा इशू हो गया हम लोगों के साथ। हुआ ये कि जैसे यहाँ पे 200 चलता है, एक चलता है आपका 1 बजे से और दूसरा चलता है 4 बजे से। हम लोग यहाँ पे लेट पहुँचे हैं, अभी 1:45 लगभग हो रहा है, तो जिसके चलते क्या है कि 100 सारा निकल जाएगा तो शूट वगैरह तो हो नहीं पाएगा। तो टाइम को, मतलब टाइम जो था हम लोग को पता नहीं था। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं ना तो देखो टाइम से आ जाना। और यहाँ पे टिकट 3 टिकट है, ठीक है। एक 150 का टिकट है, उसके बाद एक यहाँ पे 200 का टिकट है और एक यहाँ पे 300 का टिकट है। यहाँ टिकट जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 300 वाले में आपको आगे बैठने को मिला जाएगा, 200 वाले में आप बीच में बैठेंगे और जो आपका 150 वाला होगा वो उसमें आप पीछे बैठेंगे। तो जिस टाइप से आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो भी आपका बजट हो उस टाइप से यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर ड्यूरेशन का बात करें तो ये 3-3.5 घंटे का यहाँ पे चलता है सर्कस, तो आप जितना टाइम चाहें यहाँ पे दे सकते हैं जिस प्रकार से। और अभी तो चल रहा है इसलिए हम लोग को भाई वेट करना पड़ेगा, मतलब समझ यार कितना मेहनत लगता है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एकदम दिल से यार। चलो ठीक है, तो वेट करते हैं उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि 200 चलता है 1 बजे और जो दूसरा चलता है वो 4 बजे, तो आप अपना टाइम देख लेना। तो गाइस हमने टिकट ले लिया है, बिटू ने 150 का लिया है जो कि ऊपर से शूट करेगा ताकि आपका व्यू वहाँ पे दिखा पाए, और मैंने आगे का लिया है ताकि आपको जो आगे का जो भी व्यू होगा वो हम लोग अच्छे से दिखा पाएँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे 300 दिया वो 200 रिटर्न करा था 20-20 का नोट, और भाई वो 9 ही रिटर्न कर रहा था। ये देखिए ठगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो आप जब भी पैसा वगैरह लेंगे ना तो काउंट करके रखना है, नहीं तो भाई 20-10 आपका नुकसान होगा ही।
ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, हम लोग का टिकट तो हो चुका है, अंदर देखते हैं क्या कुछ हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, मैं और बिट्टू, हम लोग अंदर जाएंगे, वहाँ पे टिकट चेक होगा। Thank you.
go, go.